तो हाल ही में गाइस द ब्लू टाइगर्स यानी कि हमारे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने अपकमिंग एएफसी एशियन कप के लिए थर्ड क्वालिफिकेशन राउंड के जरिए आसानी से क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन भाई एएफसी एशियन कप का अगला सीजन स्टार्ट हो उससे पहले ही हमारे इंडियन फुटबॉल में खड़ा हो चुका है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, जिसके वजह से फीफा कर सकते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से इंडिया को बैन। तो क्या है वो प्रॉब्लम और बैन लगने से टीम इंडिया कैसे बच सकते हैं, उसी के बारे में फुल डिटेल्स के साथ हम इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तान होस्ट साइनिंग इन स्पोर्ट्स नॉलेज। तो देखिए 2008 में जब AIFF का फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रियरंजन दास मुंशी ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से ही प्रफुल्ल पटेल पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से AIFF का प्रेसिडेंट पद पर बहाल है। एंड गाइस इनका जो कार्यकाल था वो दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने AIFF का प्रेसिडेंट पद से रिजाइन नहीं दिया है। और AIFF का रूल्स ये है कि कोई भी पर्सन सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही AIFF का प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और वो स्पेसिफिक टाइम एक्सपायर होने के बाद उन्हें प्रेसिडेंट पद से रिजाइन होकर खुद अपने हाथों से न्यू प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है। लेकिन गाइस प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा ना करके अपना स्पेसिफिक टाइम एक्सपायर होने के बावजूद भी AIFF को मैनेज करता रहा, जिसके वजह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। और आरोप लगाने के बाद प्रफुल्ल पटेल को AIFF का प्रेसिडेंट पद से हटाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से AIFF को मैनेज करने के लिए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार कर दिया गया था। हालांकि प्रफुल्ल पटेल अब खुद AIFF का प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दे चुका है, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया जो AIFF कमेटी AIFF को मैनेज कर रहा था वो खबर सीधा फीफा के पास पहुंच चुका है। और फीफा का जो रूल्स एंड गाइडलाइन है गाइस उसके लिहाज से फीफा कोई भी कंट्री का फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट हस्तक्षेप अलाउड नहीं करता है, और इसी रीजन की वजह से गाइस फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल से इंडिया को बैन लगाने का वार्निंग दे चुका है। और सेम इसी रीजन की वजह से गाइस इससे पहले भी फीफा थाईलैंड और इंडोनेशिया को बैन लगाया था, और यहां पर अब इंडिया को वार्निंग देने के बाद भाई फीफा और AIFF का जो डेलीगेशन कमेटी है वो जून का लास्ट वीक के अंदर इंडिया आए थे, जहां पर भाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया AIFF कमेटी के साथ फीफा और AIFF का डेलीगेशन कमेटी का मीटिंग हुआ था। और उस मीटिंग के दौरान भाई फीफा और AIFF का डेलीगेशन कमेटी ने इंडिया को इंटरनेशनल बैन से बचने के लिए 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया था। यहां पर उन्होंने AIFF को बताया है कि 31 जुलाई 2022 से पहले ही AIFF का जो न्यू प्रेसिडेंट है उसके लिए AIFF को इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही होगा, और इसी डेट से पहले अगर AIFF इलेक्शन कंडक्ट करवाकर अपना न्यू प्रेसिडेंट का नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं तो इंडिया यहां पर इंटरनेशनल फुटबॉल से बैन लगने से बच सकते हैं। और अगर 31 जुलाई 2022 से पहले ही AIFF अपना न्यू प्रेसिडेंट चुनने के लिए इलेक्शन कंडक्ट ना करवाता है तो यहां पर फीफा की तरफ से इंटरनेशनल फुटबॉल से इंडिया को 2 या फिर 3 साल के लिए टेंपरेरी बैन लगाया जाएगा। एंड गाइस यहां पर फिलहाल इंडियन फुटबॉल के अंदर जो सिचुएशन है वो ग्रोथ का सिचुएशन है, और इस हाल में गाइस अगर फीफा की तरफ से इंडिया को बैन लग जाए तो यहां पर ये हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज साबित होगा, जहां से रिकवर करने के लिए भाई आने वाले एक दशक भी हमारे लिए कम पड़ सकते हैं। और यहां पर इस मामले में जब प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी AIFF का प्रेसिडेंट पद से रिजाइन हो चुका है तो इस सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया AIFF कमेटी को ही जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट करवाना होगा अपने न्यू प्रेसिडेंट के लिए। और यहां पर अगर AIFF वर्किंग कमेटी गाइस इलेक्शन कंडक्ट करवाने में देर कर देते हैं तो ये हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन साबित हो सकते हैं। और यहां पर गाइस जो हमारा हेड कोच है इगोर स्टीमैच, उन्होंने भी AIFF वर्किंग कमेटी को जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट करवाने का रिक्वेस्ट किया है। एंड गाइस यहां पर AIFF वर्किंग कमेटी को हमारे तरफ से भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट है उनके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। और इसी में गाइस इंडियन फुटबॉल टीम के साथ साथ हम इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भी भलाई है। तो हम भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने को मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।